सभी को नमस्कार। डी ट्रिपल एस बी गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे 2 मिनट का समय लेना चाहेंगे, जिसमें हम ये बताना चाहते हैं कि ये चैनल जितने टाइम के बाद क्यों दोबारा से एक्टिव हुआ है। हमने लास्ट टाइम एक कोर्ट केस में जो है स्टूडेंट्स की हेल्प की थी, जिसमें यह था कि हम सबसे पहले इंफॉर्मेशन क्यों देते हैं, उससे जो है हम सिस्टम के अगेंस्ट जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बाद में कोर्ट ने उस पर स्टे किया, जो भी मैटर चला ठीक है। लेकिन अभी जो है वो केस हम जीत चुके थे, स्टूडेंट्स को बेनिफिट मिल चुका था। तो बस इतना सही डिस्क्रिप्शन इसलिए देना चाहे क्योंकि सभी हैरान है कि एकदम से 1 साल के बाद फिर से इनको इनको एक्टिव क्यों होना पड़ा। अब एक्टिव होने का सबसे मेन रीजन था हमारा, दिल्ली में जो टीचर की वैकेंसी निकलती है उसमें नए रिक्रूटमेंट्स रूल्स का आना। ठीक है, आप सभी इससे अवेयर होंगे कि इसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो इसके खिलाफ जो है अब हम कोर्ट केस करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे, आइए आपसे एक बार हम बता देते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर्ट केस कि हमें कैसे प्रोसीड करना है, हमारी क्या इसमें जो है एक्टिविटीज रहेंगी, इसमें जो न्यू आरआर है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है, एज इश्यू, देन ओल्ड आरआर और न्यू आरआर में क्या डिफरेंस है हम वो देखेंगे, और जो है बीएड का जो इश्यू है पीजीटी कैंडिडेट्स के लिए हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो ये वीडियो जरूर देखिए, अगर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इससे सभी लेटेस्ट अपडेट्स जो है आपको इस चैनल के थ्रू मिलेंगी जो भी कोर्ट केस होने वाला है। देखिए बेसिकली क्या है, जो जो रिक्रूटमेंट रूल्स अभी पहले थे, देखिए ये जो न्यू जो भी प्रपोज किए गए हैं जो गैजेट नोटिफिकेशन के थ्रू अभी आ चुके हैं, हम उसको एक बार आपको दिखाना चाहेंगे। एक बार देखिए, हमने जो है यहाँ पे जो है इसमें इसको इंसर्ट भी कर दिया है इस चैनल में। ये जो है ये चैनल है हमारा डी ट्रिपल एस बी गुरु, यहाँ पे आप इसको गैजेट को देख सकते हैं। 19/10 को जो है ये पब्लिश हुआ था। इसमें जो आप देखिए हम आते हैं यहाँ पे, देखिए इन्होंने क्या कहा है, पहले तो जो एज लिमिट थी उसको कर दिया है डोंट एक्सीडिंग 30 ईयर्स, बाकी जो रिलैक्सेशन जो है वो नॉर्मल है जो सभी एग्जाम्स में होती है, लेकिन जो अपर एज है वो 30 से जो है लेस देन ही होनी चाहिए। जो पहले टीजीटी में जो 32 थी एंड पीजीटी में 36, बाकी इसमें जो ये देखिए जो इन्होंने असेंशियल आप देखेंगे जो असेंशियल क्वालिफिकेशन में है इसमें मास्टर डिग्री विद 50% मार्क्स, ठीक है वो पहले भी था, बैचलर ऑफ एजुकेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ये जो पॉइंट था वो पहले इतना क्लियर नहीं था, पहले इसमें जो है रिलैक्सेशन भी मिलती थी, अभी इन्होंने क्लियर नहीं किया गया है। हालांकि जो है इन्होंने एक नोट लिखा है कि क्वालिफिकेशन आर रिलैक्सेबल एट द डिस्क्रिशन ऑफ द डीएसएसबी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग इन केस ऑफ कैंडिडेट्स अदरवाइज वेल क्वालिफाइड। देखिए इससे जो है हम ये चीज अज्यूम कर सकते हैं कि वेल क्वालिफाइड मीन्स अगर उन्होंने नोटिफिकेशन निकाला तो वो हो सकता है इसमें जो 60% का जो है वो इंक्लूड करें, लेकिन ये इंक्लूड करें या ना करें वो डिपेंड हो गया है, नई नोटिफिकेशन जो भी आएगा उसमें पता चलेगा। ठीक है, बाकी बाकी देखिए बाकी सब उसमें सेम है, ये एक अच्छी बात है कि प्रमोशन का 50% है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी अब जो है 50% ही होगा। तो ये एक बार आप गो थ्रू हो जाना, आप शायद हो भी गए होंगे, तो हम वापस आते हैं अपने उस पे। ठीक है, अब ये डिफरेंस जो आपने देख लिया है, अब बात करते हैं कोर्ट केस की। देखिए कोर्ट केस करने के लिए सबसे पहले कैंडिडेट्स को इकट्ठा होना होगा, हम आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेंगे जिस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं,
ठीक है, सारी जो कोर्ट्स की जो हियरिंग होगी या प्रोसीडिंग होगी, हम जो बातें करेंगे वहां पे, कैंडिडेट्स जो बातें करेंगे, जो पेटिशनर होंगे वो क्या करने वाले हैं, क्या एडवोकेट ने एडवाइस दी है, सारी डिटेल्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे इस चैनल के थ्रू। इस सब के लिए आपको क्या करना होगा, एक टेलीग्राम पे जो है एक ग्रुप है, मैं उसका जो है लिंक आपको शेयर कर दूंगा। आप DSSB गुरु, अगर ये जो है टेलीग्राम पे अभी सर्च करोगे तो ये आपको मिल जाएगा, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पर मैं सारी डिटेल्स जो है मैं इस पे सेंड करता रहूंगा, सो दैट आपको इजी रहे कि एक सिंगल प्लेटफॉर्म से आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके। अभी जो है ये डिस्कशन स्टेज में है कि कौन एडवोकेट होगा, ठीक है। जैसे ही एडवोकेट हमारा कंफर्म होता है तो हम उसकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। अगर आपको लगे इस केस से जुड़ना है तो आप अपनी डिटेल प्रोवाइड कर दीजिए उस ग्रुप में, तो जो भी मॉडरेटर होंगे वो आगे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इस ग्रुप को, वो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेंगे, एंड उसके बाद जैसे भी प्रोसीडिंग होगी आप उसमें इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे। काफ़ी इंस्टीट्यूट से ही बात की है कैंडिडेट से, देखो हमने तो भी किसी से बात नहीं की है, हम तो एक बस प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं आप सभी को इकट्ठा करने का, लेकिन हमारी तरफ से भी फाइनेंशियली हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं। जितना आपको नीड लगे कि इतना कम रह रहा है उतना हम डेफिनेटली आपको वो अमाउंट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन ये लड़ाई जो है ये स्टूडेंट्स की है, इसमें आपको अपने हक के लिए लड़ना है जिसकी ओवर एज हो चुकी है। देखिए जो कैंडिडेट्स अभी 31 ईयर्स का है वो तैयारी कर रहा है कि वैकेंसी आने वाली है, लेकिन अभी एज कर दी है 30, तो अब वो कैसे, जो उसने 1 साल से तैयारी करी है उसको कैसे छोड़ दे। और इसको ये कहना भी बिल्कुल सही नहीं होगा कि अभी तक क्यों नहीं तैयारी की। देखिए बहुत सारे कंडीशंस होती हैं, बहुत सारे सर्कमस्टांसेस सबके अलग अलग रहते हैं। कोई 28 के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, किसी की ग्रेजुएशन लेट होती है, कोई बीएड लेट करता है, तो हम ये नहीं कह सकते कि पहले इस एज तक क्यों नहीं किया। तो ये इश्यूज हैं, काफी स्ट्रॉन्ग इश्यूज हैं। जो भी एडवोकेट हमें हमारा केस कैंडिडेट्स का केस रिप्रेजेंट करेगा तो इन पॉइंट्स को जो है ऑनरेबल जज के सामने प्रेजेंट करेगा, तो वो सुनेंगे डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए हमें केस फाइल करना होगा, आप सबको इकट्ठा आना पड़ेगा। अभी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। मिनिमल कॉस्ट जो भी होगा सभी आप ही सभी डिसाइड करने वाले हो, हम तो सिर्फ आपको एक प्लेटफॉर्म दिया है, तो वहां से इन्फॉर्मेशन लेके आप भी, आपके पास भी अगर कोई डिटेल है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अब से ही जो है ये चैनल कंटिन्यू रहेगा जैसे पहले रहता था, सारी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचाएगा। DSSB से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आपको आप हमें मैसेज कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैसेज छोड़ सकते हैं। वी आर हेयर टू सपोर्ट यू, वी आर हेयर टू हेल्प यू, हम आपके लिए हैं, आपके लिए ही हमने ये चैनल बनाया है। तो प्लीज अगर ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी बेनिफिशियल लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, अपने टेलीग्राम चैनल्स में शेयर कीजिए, सो दैट बहुत मैक्सिमम कह सकते हैं मैक्सिमम अमाउंट में जो कैंडिडेट्स इकट्ठा हो, आप अपना केस को स्ट्रोंग करें, जो बेनिफिट मिलेगा सबको मिले ऐसा हम भी चाहते हैं। हमारी तरफ से अगर कोई और हेल्प चाहिए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम केस कब फाइल करने वाले हैं, जैसे ही मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं उसी टाइम पे जो है आप वीडियो अपलोड कर दिया करूंगा। बाकी आज से जो है चैनल कंटिन्यू रहेगा, अब हम बहुत अच्छे लेवल से जो है इस चैनल को स्टार्ट करेंगे, काफ़ी सारी जो है आपको स्टडी मटेरियल, वीडियोस, इन्फॉर्मेशन सभी जो है चीज़ें आपको फिर से प्रोवाइड की जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।